उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश का सियासी रण दिलचस्प होता जा रहा है। इस रण में भोजपुरी ट्रैक की एंट्री हुई है। दरअसल कुछ दिन पहले भाजपा सांसद व भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन के यूपी में सब्बा गाने को रिलीज किया गया था। इसके जवाब में भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर ने यूपी में काबा गाना रिलीज करके इसका जवाब दिया है। अच्छे काम गिना रहे हैं तो कमी पर जनता की बात भी सुननी चाहिए। काशी भ्रमण पर आई गायिका नेहा सिंह राठौर ने वाराणसी मॉडल पर बात करते हुए कहा कि कोई भी सरकार कभी भी पूरी तरह से सफल या पूरी तरह से असफल नहीं होती है। उन्होंने कहा कि हर सरकार की कुछ कमियां होती हैं। अगर अच्छे काम आप गिना रहे हैं तो कमी पर भी जनता की बात सुननी चाहिए, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। यहाँ पे बहुत एक्टिव रहती हैं आप, और जिस तरीके से बीजेपी का प्रचार चल रहा है और काशी मॉडल की बात हो रही है। जी जी जी। तो जो काशी मॉडल की चीज़ें दिखाई जाती है, चाहे वो काशी विश्वनाथ धाम हो या घाटों का सुंदरकरण हो, या आप अभी जहाँ रविदास घाट पे खड़ी हैं, यहाँ भी क्रूज वगैरह दिख रहा है जो टूरिज्म को लेकर के बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या ये कुछ चीज़ें बदलाव आपको दिख रही है? मैं हमेशा कहती हूँ सर, कोई भी गवर्नमेंट कभी भी पूरी तरह से फेलियर नहीं होती है, कभी भी पूरी तरह से सफल नहीं होती है। हर गवर्नमेंट की कुछ अच्छे क्या बोलते हैं अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। अच्छे काम आप गिना रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, भैया तो जनता की भी बात सुनिए, इतनी हिम्मत रखिए। ये जो लग जाती है इन लोगों को मिर्ची, ये नहीं है ये नहीं, अरे भैया उसको भी यकीन मानिए। ऐसी चीज़ें हैं, कोरोना के टाइम में वही जो गंगा घाट थे वहाँ पर कुत्ते बिल्ली लाशें नोच रहे थे, वो भी एक सच्चाई है। अगर यहाँ पर अलकनंदा है तो एक वो भी सीन था। तो जब नेहा सिंह राठौर वो सीन बता रही है तो आप कह रहे हैं कि झूठ है। झूठ तो नहीं है सर, मैंने कब कहा कि आपकी बात ये झूठ है? ठीक है, पर वो भी है और मैं उस पक्ष को बता रही हूँ, समझ पा रहे हैं ना? तो हर एक चीज़ का एक पक्ष क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है ना, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। मैं जब स्याह पक्ष को गिना रही हूँ, आपको क्या बोलते हैं थोड़ा सा दरियादिली दिखा करके उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ना, कि पूरी ट्रोल आर्मी के साथ मुझे ट्रोल करना। बिहार चुनाव में जैसे आपने रोजगार और जो जो श्रमिक जो लौटे थे कोरोना के टाइम पे, जी जी, उसका मुद्दा बड़ी जोर तरीके से आपने उठाया था। यूपी के लिए आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं, कि या केवल जो आपने गानों में चार पांच लाइनें आपने जो बताई हैं, चाहे वो गंगा की लाशें? देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ चार पांच लाइनों में ही पूरा यूपी सिमट जाता है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। और उसका तो अभी पार्ट वन आया है, पार्ट सेकेंड भी मैं बहुत जल्दी गाने वाली हूँ, अभी मैं लिखने वाली हूँ। तो वो जो इश्यूज़ हैं, मतलब रवि किशन जी ने कहा कि क्या बोलते हैं वो तो सपा की भाषा बोल रही हैं और क्या बोलते हैं पेड़ कलाकार हैं क्या क्या, तो सब अरे भैया उनका काम है ऐसा कहेंगे, पर ऐसी बात नहीं है। मैं लोक कवि हूँ, मैं लोक गायिका हूँ, मैं जनता की आवाज़ बुलंद करती रहूँगी, करती ही रही हूँ, आगे भी करूँगी सर। एक लोक कलाकार होने के नाते जिस तरीके से फिल्म सिटी बसाने की बात कही जा रही है, जी जो यूपी सरकार अच्छे काम आप गिना रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, भैया तो जनता की भी बात सुनिए, इतनी हिम्मत रखिए। ये जो लग जाती है इन लोगों को मिर्ची, ये नहीं है ये नहीं, अरे भैया उसको भी यकीन मानिए। ऐसी चीज़ें हैं, कोरोना के टाइम में वही जो गंगा घाट थे वहाँ पर कुत्ते बिल्ली लाशें नोच रहे थे, वो भी एक सच्चाई है। अगर यहाँ पर अलकनंदा है तो एक वो भी सीन था। तो जब नेहा सिंह राठौर वो सीन बता रही है तो आप कह रहे हैं कि झूठ है? झूठ तो नहीं है सर, मैंने कब कहा कि आपकी बात ये झूठ है? ठीक है, पर वो भी है और मैं उस पक्ष को बता रही हूँ, समझ पा रहे हैं ना? तो हर एक चीज़ का एक पक्ष क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है ना, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। मैं जब स्याह पक्ष को गिना रही हूँ, आपको क्या बोलते हैं थोड़ा सा दरियादिली दिखा करके उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ना, कि पूरी ट्रोल आर्मी के साथ मुझे ट्रोल करना। बिहार चुनाव में जैसे आपने रोजगार और जो जो श्रमिक जो लौटे थे कोरोना के टाइम पे, जी जी, उसका मुद्दा बड़ी जोर तरीके से आपने उठाया था। यूपी के लिए आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं, कि या केवल जो आपने गानों में चार पांच लाइनें आपने जो बताई हैं, चाहे वो गंगा की लाशें? देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ चार पांच लाइनों में ही पूरा यूपी सिमट जाता है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। और उसका तो अभी पार्ट वन आया है, पार्ट सेकेंड भी मैं बहुत जल्दी गाने वाली हूँ, अभी मैं लिखने वाली हूँ। तो वो जो इश्यूज़ हैं, मतलब रवि किशन जी ने कहा कि क्या बोलते हैं वो तो सपा की भाषा बोल रही हैं और क्या बोलते हैं पेड़ कलाकार हैं क्या क्या, तो सब अरे भैया उनका काम है ऐसा कहेंगे, पर ऐसी बात नहीं है। मैं लोक कवि हूँ, मैं लोक गायिका हूँ, मैं जनता की आवाज़ बुलंद करती रहूँगी, करती ही रही हूँ, आगे भी करूँगी सर। एक लोक कलाकार होने के नाते जिस तरीके से फिल्म सिटी बसाने की बात कही जा रही है, जी जो यूपी सरकार की तरफ से बहुत ही एग्रेसिव तरीके से उस पर काम भी हो रहा है, क्या लगता है कि अगर वो सफल होता है तो जो लोक कलाकार हैं अपने भोजपुरी के इधर खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़े हुए, काफी बड़ी संख्या है, इससे बढ़िया क्या होगा? बिल्कुल फायदा होगा सर, इससे बढ़िया क्या होगा? मनोज बाजपेयी जी गाते हैं बम्बई में काबा, और बम्बई में काबा कोई गाना नहीं है और डीजे पर नाचने वाला गाना नहीं है, वो एक दर्द है बिहारियों का, या फिर बिहारियों ने पूरे राज्य से जो लोग बम्बई में जाते हैं, बम्बई में जो संघर्ष करते हैं, जो उनकी दुर्दशा होती है, ठीक है, तो बिल्कुल यार बन जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो शुभकामनाएं देती हूँ जिस उस सरकार को जो बनाना चाहती है, बने भैया, हम भी देखना चाहते हैं। कौन बम्बई जाना चाहता है घर परिवार वालों को छोड़ के भैया? अच्छा, आपकी लाइनों में एक लाइन ये भी है कि
राम राज के झांकी बा और काशी मथुरा बाकी बा, इशारा किस तरफ है? नहीं, इशारा बिल्कुल साफ है सर। कोई कहता है मैं राम को लाया हूँ, कोई कहता है मैं कृष्ण को ला दूंगा। आप राम और कृष्ण को लाएंगे? अरे भैया, राम और कृष्ण ने आपको लाया हुआ है, ठीक है? तो जनता को उल्लू बनाना छोड़िए, धर्म की राजनीति छोड़िए भैया, इंसान बनिए। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद राम कृष्ण क्यों? राम इन लोगों की तो राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि राम कृष्ण को भी लड़वा देंगे। राम कृष्ण जिंदा होते तो सिर पटक के इन लोगों की राजनीति देख करके भैया, समझ पा रहे हैं ना? तो मैंने यही गाने का बोल है।